दर्शन, सभी भक्तजनों के लिए श्री यमुना जी के दर्शन, यमुना जी के अपृत होने के दर्शन। कलिंद पर्वत से यमुना जी निकलती हैं। कलिंद गिरी मस्त के पतत मंद पूरो जुला, विलास गमलोशता प्रकट गंड शैलोन्नता। माँ यमुना समस्त जनमानस को सुख समृद्धि प्रदान करे और सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब लोग यमुनोत्री से माँ यमुना के दर्शन कर रहे हैं और मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद यमुनोत्री में सूर्य कुंड की तरफ। यमुनोत्री धाम में सूर्य कुंड, ग्रहों के देवता सूर्य जो यमुना जी के पिता हैं, उनके आशीर्वाद से यमुना जी का शीतल जल जो है यहाँ पर गर्म हो जाता है और जिसके कारण जो है यहाँ पर सभी भक्तजन जो है चावल पका सकते हैं और यहाँ पर जो प्रसाद होता है वो चावल का होता है। ये जो पूरा पर्वत है ये कलिंद पर्वत है, यहाँ पर यमुना जी दो धाराओं में आती है, एक शीतल धारा और एक गर्म धारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से यमुना जी की गर्म धारा का उद्गम है, तो मैं आपको ले चलता हूँ उस स्थान पर। यमुना जी की गर्म धारा का उद्गम स्थल है दिव्यशिला कहते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से मनुष्य को इसकी मनोकामना पूर्ण होती है और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। आप सभी लोग यमुना जी की गर्म धारा के उद्गम स्थल के दर्शन कर लीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ यमुना जी के शीतल धारा के दर्शन करवाता हूँ आप सभी लोगों को। यमुना जी की शीतल धारा आप सब लोग देख सकते हैं। यमुना जी की शीतल धारा कलिंद पर्वत से निकल रही है। कलिंदगिरी पर्वत से यमुना जी निकलती हैं। वैसे यमुना जी का उद्गम स्थल सप्तऋषि कुंड है, वहाँ से अपरित होकर यमुना जी कलिंद पर्वत के मस्तक से होकर यमुनोत्री धाम में आती है। यहाँ पर यमुना जी की शीतल धारा और गर्म धारा का मिलन होता है। यमुना जी के पावन दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं। इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि हम भी पुण्य कमा सकें और आप सभी लोग भी पुण्य कमा सकें। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सभी भक्तजन जो है यमुनोत्री धाम नहीं आ पाए, इसलिए उन सभी भक्तजनों तक ये वीडियो पहुंचाई जाए जो यमुनोत्री धाम में दर्शन करने आना चाहते थे और वो सब लोग दर्शन का लाभ पा सकें। जय माँ यमुनी, जय माँ गंगे, जय बद्री केदार, जय चारधाम।